लिए दोस्तों, आप कोई भी कोर्स फ्री कर सकते हो। विश्व में पहली बार ऐसी यूनिवर्सिटी जो 18 कोर्स फ्री करवा रही है। हाँ दोस्तों, जगतगुरु रामानुजाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा विश्व में पहली बार संपूर्ण विश्व में पहली बार निःशुल्क संस्कृत प्रशिक्षण किया जा रहा है। ये एक वर्ष है पाठ्यक्रम, एक वर्ष का डिप्लोमा है, जिसमें आप ये सभी कोर्स जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आपको ये फ्री कर सकते हैं। ये 18 कोर्स जैसे ज्योतिषी, षोड़श संस्कार, संस्कृत, संभाषण, संगीत, योग, रामायण, ये सभी कोर्स आप निःशुल्क कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी पढ़ाई की योग्यता की जरूरत नहीं है। आप अगर अनपढ़ भी हो या कोई बीएड भी कर रखी है तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हो। इसके लिए आवेदन करने के लिए आपकी उम्र 4 वर्ष से 100 वर्ष के बीच होनी चाहिए और आप इसका प्रशिक्षण ऑनलाइन भी ले सकते हो और ऑफलाइन भी ले सकते हो। ऑनलाइन लेने के लिए रात की 8 बजे से 9 बजे तक जूम पर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लाइव प्रशासन वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। आप इसके द्वारा ऑनलाइन भी कर सकते हो और ऑनलाइन ही आपका पेपर होएगा और आपको सर्टिफिकेट बाय पोस्ट घर पे पहुंचा दिया जाएगा। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हो तो जगतगुरु रामानुजाचार्य राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय जयपुर, वहाँ जाकर भी आप ऑफलाइन कर सकते हो। तो हम जानते हैं आप इसके लिए आवेदन कैसे करें, तो चलो हम सबके पहले आवेदन करने के लिए ऑफिशियल साइट पर चलते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी अपने मोबाइल में कोई भी क्रोम ब्राउज़र ओपन करने लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे JRRSU सर्च करना है। सर्च करते हैं, आपके यहाँ पर जो JRRSU जयपुर सबके ऊपर जो साइट है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको 1-2 सेकंड का वेट करना है और आप ऑफिशियल साइट पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट साइट पर पहुँच जाओगे। थोड़ी देर ये लोड लेगा, जैसे ही खुलेगा ये डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। इसको थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ मैं आपको। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको ये लिख रहा प्रॉम फॉर फ्री ऑनलाइन संस्कृत कोर्स, निःशुल्क संस्कृत पाठ्यक्रम, ये लिख रहा है। इस पर आपको ऊपर ये यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे थोड़ी देर में ऐसे चक्कर घूमेगा और आपका आवेदन खुल जाएगा। ऐसे खुल जाएगा आपका आवेदन। इसकी वैधता 1 साल है। ये देखो, 1 साल, 1 साल के अंदर आप इस कोर्स को पूरा कर लोगे, जिसका कोई शुल्क आपको नहीं देना है। उसके लिए आप नीचे आओगे। सबसे पहले नीचे आने के बाद आपको आवेदक का नाम लिखना है। यहाँ पर आप अपना नाम लिख दीजिए, कोई भी जो भी आपका नाम है, नाम और सरनेम लिख दीजिए। इसके बाद आपके फादर का नाम लिखना है, जो भी आपके फादर का नाम है वो पूरा नाम यहाँ पर डाल दीजिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देनी है। यहाँ से सेलेक्ट करना है और जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके डाल सकते हो। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप नीचे आओगे, जेंडर डालना है, आप किस जेंडर से, मेल, फीमेल, अदर। आप जैसे मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नीचे आओगे, आपको अपना रीजनल धर्म चूज़ करना है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, जो भी आप जिस धर्म से बिलोंग करते हो वो चॉइस कर सकते हो। इसके बाद कैटेगरी, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, जो भी कास्ट आपकी है, जैसे मैं जनरल से करता हूँ, जनरल सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद आपको आएगा पाठ्यक्रम, केवल एक पाठ्यक्रम चुनिए, आप एक ही पाठ्यक्रम चुन सकते हो जिसकी अवधि 1 वर्ष रहेगी, जिसमें ये 18 पाठ्यक्रम दिए रखे हैं, जिसमें भी आप आवेदन करना चाहते हो उसमें कर सकते हो। जैसे ज्योतिषी में, वास्तुशास्त्र में, कर्मकांड में, धर्मशास्त्र में, रामायण में, जैसे मैं योगा के लिए अप्लाई करूँगा, योगा भी मैंने टिक कर दिया। इसके बाद नीचे आओगे आप या आपको यहाँ अपना पता डालना है, जो भी आपका पता है, और पिन कोड के साथ आप अपना पता डाल दीजिए। पता डालने के बाद आप नीचे आओगे, आप यहाँ नेशनलिटी, राष्ट्रीयता, आप भारत से हो या कहीं बाहर से हो तो डाल आदर कर देना, बाहर से हो तो, और इंडिया से हो तो यहाँ भारतीय पे टिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपना राज्य सेलेक्ट करना है, जैसे मैं मेरा राज्य राजस्थान यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद आप कैसा, आप क्या काम करते हो, एक स्टूडेंट हो या गवर्नमेंट सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट सर्वेंट हो या बिजनेस हो या अदर हो, तो मैं एक स्टूडेंट हूँ तो स्टूडेंट पे क्लिक कर देता हूँ, स्टूडेंट पे क्लिक कर देना है। प्लेस ऑफ स्टडी, अध्ययन या कार्य का स्थान, आप कहाँ पर अपना पढ़ाई कर रहे हो या कार्य कर रहे हो। जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं कोटा पढ़ता हूँ, तो
में कोटा डाल देता हूँ। या अगर आप कोई भी होमवर्क भी करते हो या कोई भी कार्य करते हो, बिजनेस करते हो, तो आप उसका एड्रेस या फिर अध्ययन का कार्य का स्थान डाल सकते हो। कोटा, जयपुर, जोधपुर, जहाँ भी आप पढ़ाई या कार्य कर रहे हो डाल सकते हो। उसके बाद नीचे आना है और अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो व्हाट्सएप नंबर भी हो, मोबाइल नंबर भी हो, वो यहाँ पर आप डाल दीजिए। जैसे मैं मेरे नंबर डाल देता हूँ। इसके बाद अपनी ईमेल आईडी डालनी है, जो भी आप ईमेल आईडी चालू हुए वो डाल देनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको नीचे आना है। ईमेल आईडी यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालने के बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हो, ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हो। जैसे मैं ऑनलाइन क्लास लेना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक कर दूँगा। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर सकते हो। मुझे ऑफलाइन लेना है तो इस पर क्लिक कर देता हूँ मैं। यह सब डालने के बाद आपको फॉर्म चेक कर लेना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बिल्कुल सही डालनी है, क्योंकि आप अगर ऑनलाइन करोगे तो इसी पे सूचना दी जाएगी। उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। ये नीचे सबमिट बटन दिख रहा है, इस पे सबमिट बटन पे क्लिक करोगे इसमें आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा। और आपको फ़ोन नंबर या अपने मोबाइल नंबर के ईमेल आईडी के थ्रू आपको संपर्क किया जाएगा। उसको बिल्कुल चालू रखें। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन। थैंक यू।